नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली और एक्टर रणबीर कपूर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। दोनों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आलिया भट्ट दोनों के साथ काम कर रही थी, वह संजय लीला भंसाली के साथ गंगूबाई काठियावाड़ी में काम कर रही हैं। हाल ही में फिल्म मेकर के जन्मदिन पर फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ। वहीं आलिया रणबीर कपूर के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र में काम कर रही थी। इन दोनों सेलेब्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से आलिया ने भी सावधानी बरती है और खुद क्वारंटाइन कर लिया है। वह घर में क्वारंटाइन रहेंगी। बता दें कि दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आलिया ने अपना कोरोना टेस्ट भी करवाया था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। आलिया ने खुद को क्वारंटाइन करने के बाद बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के लिए एक मोटिवेशनल कोट शेयर किया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, हम जिस चीज़ से गुजरते हैं उसी से बढ़ते हैं। इसके साथ ही आलिया ने हैशटैग के साथ द गुड वर्ड भी लिखा। वहीं रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर ने भी बेटे के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर की पुष्टि की। उन्होंने रणबीर के स्वास्थ्य के प्रति चिंता दिखाने वाले लोगों को आभार जताया। उन्होंने लिखा, आप सभी की चिंता और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। रणबीर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव निकला है। वे इसकी दवाइयाँ ले रहे हैं और उनकी हालत भी सुधार हो जाएगा। नीतू कपूर ने आगे लिखा, वो सेल्फ क्वारंटाइन हो गई हैं और इसे लेकर सभी तरह के एहतियात बरत रही हैं। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में चंडीगढ़ में फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग के दौरान नीतू कपूर खुद भी कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो गई थी, जहां से उन्हें बाद में एयर एम्बुलेंस से मुंबई लाया गया था।